हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबको मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। तो आज का बात करूं तो आज अभी हम दुधिया की तरफ जाएंगे और दुधिया में अभी के टाइम में बहुत भीड़ होता है और वहां पर मेला भी लगा हुआ है। वाओ, हम मेला भी थोड़ा घूमेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे मेला में क्या क्या है और दुधिया में कितना भीड़ है। लेट अस गो। हेलो फैमिलीज, सो थंबनेल एंड इंट्रो देख के आप लोगों को पता चल गया होगा आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। और आज नया साल का तीसरा दिन, दैट इज 3rd of January। अभी हम दुधिया की तरफ जा रहे हैं। अभी का ये न्यू ईयर वीकेंड में दुधिया में बहुत भीड़ होता है। वहाँ पर मेला भी लगा हुआ है, आप लोगों को मेला भी दिखाते हैं, थोड़ा वहाँ पर किस तरह का माहौल है वो दिखाते हैं। और बात करूँ न्यू ईयर व्लॉग का, मैंने नहीं बनाया क्योंकि मैं फैमिली के साथ बाहर गया था और मैंने व्लॉग शूट करना ठीक नहीं समझा क्योंकि थोड़ा टाइम फैमिली को भी देना होता है, सिर्फ व्लॉग बनाओ या अच्छा नहीं होता है ना, तो मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पर गाड़ी देखिए किस तरह से लगाया हुआ है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, पीछे जगह है फिर भी ये लोग नहीं लगा रहे हैं। पीछे रोड पे ही आधा गाड़ी तो रोड पर ही है। और ये रहा हमारा प्यारा पानीघट्टा बाजार। और आई होप सो आप लोगों का न्यू ईयर बहुत अच्छा गया और आगे भी जाए, ये साल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। पर वही बात है कि पहले के जैसा अभी मज़ा नहीं आता है जितना मज़ा बचपन में आता था न्यू ईयर के दिन और न्यू ईयर के दिन का कुछ दिन बाद भी। पर अभी वो मज़ा नहीं है, सबसे अभी हम बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए ही हुई है। जितना एक्साइटमेंट, जितना इन्जॉय करते थे बचपन में, अभी वो नहीं करने का मन भी नहीं होता है या करते भी नहीं है। बात तो वही है कि पहले जैसा एक्साइटेड नहीं होते हैं अभी। पहले तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था न्यू ईयर आने से पहले, नया कपड़ा खरीद के अब घूमने के लिए, पिकनिक फिर मेला। और यहाँ पर दुधिया में हमेशा लगता है मेला, हर साल लगता है, तो यहाँ पर आने के लिए बहुत एक्साइटेड होता था मैं। और यहाँ पर आज तो दुधिया खाली दिख रहा है, ब्रिज में भी कोई नहीं है। मैंने इंट्रो में क्या कहा था और क्या हो गया। सो अभी हम दुधिया में है और यहाँ पर तो सोचा था कि बहुत भीड़ होगा पर एक भी भीड़ नहीं है यहाँ पर। तुम जैसे लोगों को अगर मार के जेल जाना पड़ा 14 साल मंजूर है। न्यू ईयर के दिन बहुत भीड़ था यहाँ पर, यू कैन सी। अरे कोई है यहाँ पर, बाइक रखने का भी जगह नहीं था न्यू ईयर के दिन। अभी पूरा खाली है यहाँ पर। अंजन, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू, ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर। यहाँ पर क्या न्यू ईयर से दिख रहा है अंजन? कुछ भी नहीं दिख रहा यार, मुझे लग रहा है वहाँ पर ऊपर का पुल में होगा। वहाँ पर विल गो देयर आल्सो वंस, वहाँ पर जाके देखेंगे। जो मेला का बात मैं कर रहा हूँ जो बचपन में लगता था, वो दुधिया का जो अभी का टाइम जहाँ लगता है वहाँ नहीं लगता था। पहले यहाँ पर राइट हैंड साइड, यहाँ पर राइट में जगह दिख रहा है वहाँ पर लगता था, पर अभी यहाँ पर कुछ बन रहा है इसीलिए अब 2-3 सालों से यहाँ पर नहीं लग रहा है। ऊपर की तरफ लगता है मेला, थोड़ा सा ऊपर यहाँ से। नहीं तो बचपन में जब भी मैं मेला आता था तो वो मेला यहीं पे लगता था, पर अभी 2-3 साल हो गया है मेला का जो लोकेशन है वो शिफ्ट होके यहाँ पर आ गया है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे है मेला का जगह जो जहाँ पर मेला लगता है। और पहले के मुकाबले ये मेला छोटा लग रहा है, मुझे देखने से तो छोटा ही लग रहा है क्योंकि लास्ट टाइम बहुत बड़ा था। जो झूला था वो रोटेपिंग था, वो बहुत बड़ा था और पुल से भी दिख रहा था, ब्रिज से भी, पर अभी नहीं दिख रहा है ब्रिज से। तो जो पार्किंग का लॉट था वो भी बहुत अच्छा था लास्ट टाइम, पर इस बार मैंने वहाँ पर पार्किंग भी नहीं देखा। देखेंगे आते वक्त। मुझे लगा कि पिछले साल जहाँ जगह था उससे थोड़ा इस तरफ लगाया, इस बार जहाँ पर पिछले बार लगा था वहाँ पर कुछ बन रहा है जैसा दिखा मुझे। जब आएंगे और देखेंगे, पहले आगे जाएंगे, ऊपर दूसरा ब्रिज है वहाँ पर देखेंगे कितना लोग आए हुए हैं वहाँ पर। नीचे का ब्रिज में जो है वहाँ पर तो कोई नहीं दिखा, यहाँ पर देखते हैं। पहले पहले साल में तो बहुत भीड़ होता था, नीचे पुल में भी बहुत भीड़ और ऊपर के पुल में भी बहुत भीड़ होता था, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता था। ये दुधिया का अपर ब्रिज है, यहाँ पर लोग दिख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं ऊपर की तरफ और यहाँ पर नीचे भी दिख रहे हैं बहुत सारे लोग। अगर कंपेयर करें पिछले साल से तो बहुत लेस है, पर अगर हम नीचे का बात करें, नीचे वाला ब्रिज का, तो वहाँ पर तो लोग नहीं थे, यहाँ पर तो है बहुत सारे लोग कंपेयर टू देयर, पर फिर भी बहुत कम है।
क्योंकि पहले पहले साल में बहुत सारा लोग आते थे, ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता था कि गाड़ी पार्क करने का जगह भी नहीं होता था। अगर ट्रैफिक में फंस गए तो 2-3 घंटे लगता था ट्रैफिक से निकलने में। अभी के लिए बाइक यहाँ पर रखते हैं और यहाँ से ऊपर जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत भीड़ है यहाँ पर नीचे के मुकाबले। सो अभी हम मेला के तरफ जाएंगे। मेला में भी भीड़ तो नहीं दिख रहा है, पर फिर भी वहाँ पर एक बार जाएंगे, नहीं तो रात को आएंगे एक बार देखने के लिए। सो अभी हम मेला के तरफ जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम मेला की तरफ जाएंगे। ये एक रास्ता है और ये करने के लिए बहुत एक्सपीरियंस का ज़रूरत होता है, बहुत IQ लगता है। अरे पता नहीं ये ट्रैफिक का रूल्स के खिलाफ है कि नहीं है, पता नहीं है, पर ये वन वे है, पर बाइक अंदर चला जाता है, इसीलिए बाइक लोग लाते हैं और मैं भी लाया अभी। नहीं तो वन वे में जितना पता है उतना तो हो नहीं सकता है। और यहाँ देखिए, बाप रे भाई साहब, क्या हो रहा है इन लोगों का, मज़ा ही मज़ा है। अगर ये फिर से लोग ऐसा ही होते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, कि पता नहीं कि अपना खुद का रोड समझते हैं कि बाकी लोग कोई नहीं आएगा समझते हैं कि पता नहीं क्या होता है। तो ठीक है, अभी हम मेला पहुंचने वाले हैं और मेला में देखेंगे कि लोग है कि नहीं है। अगर नहीं होंगे तो, अगर थोड़ा वीडियो नहीं बनेगा तो हम रात को आएँगे, पर उसके लिए थोड़ा सा टाइम मिलाना पड़ेगा क्योंकि मेरा ट्यूशन होता है, तो थोड़ा सा उसको मिलाना पड़ेगा। मुझे लगा था कि पहले के मुकाबले थोड़ा सा इस तरफ रखा है इस बार का मेला। कैसा लगा मेला? मेला है? कुछ नहीं है। सो अभी हम अब घर की तरफ जाएंगे और रात को आएंगे अगर टाइम मिला तो। अभी यहाँ पर सब बंद है। मेला का बाय बोल, बाय बाय बोल रहा फिलहाल के लिए। पहले पहले साल में तो बहुत दिनों तक यहाँ पर लोग होते थे, पर अभी सब बंद है, खाली खाली है, सिर्फ रात को ही होगा। मैं भी सुनसान है। अब रात को आएंगे और एक बार देखेंगे कितना भीड़ हो सकता है। तो यहाँ से अभी हम घर की तरफ चलते हैं। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं और हम रात को आएंगे, क्योंकि मैंने बोला था कि बहुत भीड़ होता है और मेला भी घुमाऊंगा बोला था आप लोगों को। सो अगर वीडियो में तो आया नहीं, सो अगर मैं नहीं आऊँगा रात को तो ये तो झूठ बोलना जैसा बात हो गया। तो हम रात को आएंगे पक्का। अनजान भी है मेरे साथ, वो रात को आने को बोल रहा है, तो उसके साथ आऊँगा। और मेरी एक बहन है, वो बोली थी कि उसको भी घुमाने ले जाना है और उसको भी लेके आएंगे जब शाम को आएंगे। सो ये जो वीडियो है ये बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए ये वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा, पार्ट 1 पार्ट 2। सो एक संडे को या तो सैटरडे को अपलोड करूँगा और दूसरा मैं मंडे को नहीं तो वेडनेसडे को अपलोड करूँगा। सो ये पानीघाटा बाज़ार है, ये वेडनेसडे को लगता है, हर वेडनेसडे लगता है यहाँ पर। तो ये बाज़ार ऊपर भी लगता है, वो संडे को लगता है और यहाँ पर वेडनेसडे को लगता है। और ये बाज़ार यहाँ पर लगने का भी अलग ही एक कहानी है। जब कोविड का टाइम था तो जो मार्केट वार्केट नहीं लगता था, जब मार्केट सब बंद था, तो लोगों ने खुद को बचाने के लिए ये मार्केट को थोड़ा दूर लगाने के लिए बोला इन लोगों को। सो इन लोगों ने यहाँ पर लगाना शुरू किया वो कोविड के टाइम में, 2022 एंड 2021 में। तो उसके बाद क्या हुआ, जब कोविड चला गया, कोविड का वो ख़त्म हो गया, तो उसके बाद ये लोगों ने यहीं पर लगाना शुरू कर दिया। अब ये लोग यहीं पे लगाते हैं वेडनेसडे का, हर वेडनेसडे एंड संडे को से ऊपर ही लगाते हैं, ऊपर पानीघाटा बाज़ार पे ही लगाते हैं, यहाँ पर से वेडनेसडे को लगाते हैं। सो अभी हम चेंगा पे है और यहाँ पर मैं अंजन को छोड़ने आया हूँ और अंजन को यहाँ पर ड्रॉप करूँगा पहले, और उसके बाद वहाँ से मैं घर चला जाऊँगा अपना घर। और ये रहे अंजन का घर,
मेरे राइट हैंड साइड में, और इसको यहाँ पर छोड़ दूँगा। सो अभी हम अंजन को छोड़ के अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं, और ये भी चेंगाई है जो अंजन का उस तरफ का घर है, वो भी चेंगा है। बहुत सारा चेंगा है, आपको किसी दिन बताऊंगा कितना चेंगा है कितना, बट ऑल राउंड एक बड़ा चेंगा होता है। और जो हमारा गांव है वो चेंगा में नहीं आता है, मैंने पहले भी बताया है, बहुत कंफ्यूजन है। हमारा जगह का नाम, मेरा जगह का नाम कटरिया है, कटरिया फॉरेस्ट बस्ती, और वो कटरिया एंड चेंगा अलग अलग है, गांव एक ही नहीं है। सो अभी हम घर पहुंच गए हैं यहाँ से, ये तो मैंने पहले ही बताया है गेट खोलने का निंजा टेक्निक, और यहाँ पर काली बैठी हुई है। सो वही है, आज के लिए इतना ही है, और जैसे मैंने बताया कि अगर रात को टाइम मिला तो हम जाएंगे, और अगर उसका व्लॉग बनाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। सो मैं ये व्लॉग को दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। सो यही आज के लिए, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।